हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। और इस बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस बुक में मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, पर हमारा चैप्टर 21 जो है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का वो सिस्टम है जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दोनों पहलू, दोनों एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट को रिकॉग्नाइज करता है, दोनों एस्पेक्ट्स को लिखता है। अब दो पहलू कैसे होते हैं, समझो मेरा पेन का बिजनेस है और मैं किसी भी सप्लायर के पास गई और मैंने पेन लिए 2000 रुपये के, तो यहाँ दो चीज़ होंगी। पहले तो मेरी एक जेब से 2000 रुपये जाएंगे और दूसरी जेब में 2000 रुपये के पेन आएंगे। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, एक चीज़ गई, पैसा गया, दूसरी चीज़ आई, तो क्या आया, पेन आए, जो कि हमारे गुड्स हैं, गुड्स आए। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड अदर इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब इसमें से एक को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, एक को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो जो पेन आ रहे हैं उसे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, जो पैसा जा रहा है उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में है, थोड़ा तसल्ली रखो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, गुड्स आर एक्वायर्ड एंड रिटर्न, कैश इज पेड। तो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, बता दिया कि एक गुड्स आ रहे हैं, एक पैसा जा रहा है। अब डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये सिस्टम किस पे बेस है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग का ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आगे के चैप्टर्स में, उस पे ये सिस्टम बेस है। और ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम का ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब जानते हैं फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला फीचर क्या है, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड, क्या गया क्या आया, वो कंप्लीट रिकॉर्ड हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग एंड द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग। तो इसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों जो पहलू होते हैं, जैसे रिसीविंग वैल्यू इन और वैल्यू आउट, मतलब गिविंग, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, दोनों एस्पेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन दो एस्पेक्ट में से एक को हम लोग डेबिट करते हैं, एक को हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने क्या डेबिट किया था, जो मेरे गुड्स थे, पेन था, उसे डेबिट किया था, पैसा जो गया था उसे क्रेडिट किया था, जो गुड्स डेबिट हुए तो वो भी 2000 से हुए थे, जो पैसा क्रेडिट हुआ वो भी 2000 से ही हुआ। तो हमारे डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइड्स क्या होती हैं, मैच होती हैं, यही फोर्थ है। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड द अदर इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। इससे क्या होती है कि हम लोग अच्छे से हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाकर। आज जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस क्या होती है। तो एक कंप्लीट सिस्टम जो डबल एंट्री बुक का है, उसकी ये तीन स्टेजेस हैं। पहला, ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करना। दूसरा, जो जनरल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उन्हें लेजर में क्लासिफाई कर देना, उसके बाद उन्हें समराइज करके ट्रायल बैलेंस बना देना, जिससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इस्टेब्लिश होती है। थर्ड क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, कौन कौन से हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसे प्रिपेयर करना। ये जितनी भी स्टेजेस है, ये एक वन बाय वन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, तो पहला एडवांटेज ये होता है कि एक साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम, इट हेल्प्स अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम लोग एस्टिमेट भी करते हैं, वो साइंटिफिक नहीं होता है, लेकिन ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें भी एस्टिमेट्स होते हैं, पर ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और इससे अकाउंटिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इस सिस्टम के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शंस के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करा जाता है, तो कंप्लीट रिकॉर्ड है और इससे हमें करेक्ट इनकम मिलती है, करेक्ट लॉस मिलता है, करेक्ट एसेट मिलते हैं, करेक्ट लाइबिलिटीज मिलती है किसी भी एंटरप्राइज के।
थर्ड है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एनश्योर्ड। तो इस सिस्टम को यूज़ करके जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारे अकाउंट्स की वो एस्टैब्लिश करी जाती है कैसे, ट्रायल बैलेंस को बनाकर। फोर्थ क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। एक बिजनेस एंटरप्राइज को एक साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। फिफ्थ है हमारा असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एक साल की लास्ट डेट पे 31 मार्च को वो हम डबल एंट्री सिस्टम से पता लगा सकते हैं बैलेंस शीट की हेल्प से। फिर क्या है हमारा सिक्स है डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। द सिस्टम परमिट्स अकाउंट्स टू बी मेंटेन इन एज मच डिटेल एज नेसेसरी एंड देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल एटसेट्रा। अब देखो मैनेजमेंट या ओनर्स को बिजनेस को कंट्रोल करना होता है तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, जितनी डिटेल नेसेसरी होती है उसमें रिकॉर्ड होते हैं, जिससे कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साल का जो रिजल्ट है उसे पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि चेंज क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कंपैरेटिव स्टडी डबल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल है। फिर हमारा एट्थ है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट डबल एंट्री सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करता है अपनी डे टू डे डिसीजन मेकिंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइन्थ है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वजह से फ्रॉड्स एंड मिसअप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सारी एसेट्स बिजनेस की या सारी लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब देखो इतने सारे एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के, नौ तो पढ़ ही लिए, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल भी होता है। अब नेक्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। इसे हम लोग इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं, आधा अधूरा डबल एंट्री सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या है, सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग डबल एंट्री बेसिस पर नहीं रिकॉर्ड कर रहे, किसी किसी ट्रांजैक्शन में तो दोनों एस्पेक्ट लिख रहे हैं डेबिट क्रेडिट, किसी में सिर्फ एक एस्पेक्ट लिख रहे हैं कि इसने पैसा दिया बस इतना लिख दिया, किसी में तो कुछ तो लिखे ही नहीं जा रहे हैं, मतलब हमने 10,000 का कोई एसेट खरीदा वो तो हमने लिखा ही नहीं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब देखो सारे अकाउंट्स से इनकम्प्लीट नहीं है, इसमें क्या बनते हैं, पर्सनल अकाउंट बनते हैं, कैशबुक बनती है, बस खत्म बात। जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो भी इनकम्प्लीट होते हैं, कई बार अनसिस्टमैटिक होते हैं, इसलिए ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं डबल एंट्री बेसिस पे, इसलिए इसमें क्या नहीं बना सकते, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। याद रखना इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है और जिसके कारण हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक यू।